हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। आप लोग जो भी बच्चे टीचर बनने के इच्छुक रहते हैं, उनको टीचर से जुड़ी हर बात जो है वो पता होनी चाहिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट जो है उनके लिए लेकर आती है। तो शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा ऐलान आया है, और वो क्या आया है वो भी आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने TET टैट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी है। वो केवल पहले 7 साल की होती थी, और अब वह बढ़कर क्या हो गई है, जीवन भर के लिए मान्य हो गई है। तो यदि आपने टैट क्लियर कर रखा है और इसके बाद के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी वैलिडिटी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इसके आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे आप वो दे सकते हैं। मान लीजिए आपने CTET का क्लियर कर रखा है एग्ज़ाम, और आपने केंद्रीय विद्यालय की तैयारी भी की थी, लेकिन कोरोना की वजह से रीट का भी आपने फॉर्म डाला, यहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो एक एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं करता है, हर जगह वह अपने पैर को ज़रूर फैलाता है, क्योंकि कहाँ पर उसका नंबर आ जाए क्या पता। क्योंकि टीचिंग लाइन से जुड़ी कोई भी एग्ज़ाम होता है आपको फॉर्म डालना चाहिए, और कुछ समय बाद ही केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ आएंगी, नवोदय की वैकेंसीज़ आएंगी, जहाँ पर आपको टैट क्वालिफाई जो है वो मांगा जाता है। तो अगर आप 7 साल की आपकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है, तब भी आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो रीट का एग्ज़ाम तो आप देंगे ही, इस बीच में यदि वैकेंसीज़ आती हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो उसका भी फॉर्म जो है वो आप भरिएगा, यदि आप टैट क्वालिफाई हैं तो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला जो है 10 साल पहले से लागू किया गया है, यानी इन सालों के बीच जिनके प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है, वे भी अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि केंद्र सरकार ने टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो जीवन भर के लिए बढ़ा दी है। तो टीचिंग लाइन से जुड़ी हर खबर जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं हमेशा ही न्यूज़ लेकर आती रहूँगी, और हम हर चीज़ को जानेंगे, क्योंकि नॉलेज जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो CTET से या टैट से कोई मतलब नहीं है। नॉलेज जो है वो हर चीज़ की रहनी बहुत ज़रूरी होती है, कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाती है ये किसी को भी पता नहीं रहता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।